करने जा रहे हैं मैट्रिसेस के टाइप्स को, मैट्रिसेस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। और देखेंगे सबसे पहले जो हमारा पहला टाइप है मैट्रिक्स का, वो क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी देख लें, 2, 3, 4। अभी इस एग्जाम्पल में देखिए कितना रो आ रहा है, एक ही रो आ रहा है, एक रो आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल देख लें, इसको ए का नाम दे लें, इसको बी का, 4, 8। अभी इसमें देखें इसमें कितने रो आ रहे हैं, एक रो आ रहा है, 4, 8। रो हमारे पास कितने, एक ही रो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। तो हमारे पास रो मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कॉलम मैट्रिक्स। वो क्या हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अभी देखें एग्जांपल 4, 8। अभी इसमें कॉलम क्या है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, तो इसमें कितने कॉलम आ रहे हैं, एक कॉलम आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल देख लें, 6, 3, 5। अभी इसमें देखिए इसमें हमारे पास कॉलम कितने आ रहे हैं, एक कॉलम आ रहे हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, कॉलम मैट्रिक्स हुआ। अभी रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में फर्क क्या है, रो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। और फिर हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास तीसरा जो टाइप है, तीसरे टाइप में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर न हो, यानी कि नंबर ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि m और n आपस में बराबर न हो जाए। अ मैट्रिक्स डेफिनेशन नोट कर लें, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ n इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल नोट कर लें, 2, 3, 5, 1, 6, 8। अभी इसमें रो कितनी है, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, इसमें कितने रो आ गए, दो रो आ गए। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n क्या है, 2 है, और n कितना है, कॉलम कितने, 1, 2, 3 कॉलम है, तो इसमें दो रो और तीन कॉलम आ गए, m और n क्या हो गए, आपस में इक्वल नहीं हुए, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। याद रखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। इसके बाद है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर चौथा पार्ट है, टाइप है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ
एम इज इक्वल टू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है बराबर हो जाए। तो इसकी एग्जांपल देख लें, 2, 3, 4, 5 इसमें कितने रो है, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, तो एन हमारे पास कितना आ गया, दो, और कॉलम एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एन हमारे पास कितना हो गया, दो। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है बराबर आ रहे हैं, दो रो आ रहे हैं, दो कॉलम आ रहे हैं, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल नोट कर लें, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 1, 4, 1, 8, 5 इसमें देखें कितने रो आ रहे हैं, एक रो ये हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, इसमें कितने रो आ गए, तीन रो आ गए, और कॉलम कितने आ गए, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये दूसरा कॉलम हो गया, ये क्या हो गया तीसरा कॉलम हो गया, इसमें तीन रो और तीन कॉलम आ रहे हैं। तो एम और एन आपस में क्या है बराबर है, एम और एन क्या है बराबर है।